हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है फर्स्ट पार्ट में। तो अब हमें पता है अगर 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास a11, a12, a21, a22। अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तो a11 का माइनर क्या होगा, इसको दिखाते हैं m11 से। और इसकी वैल्यू होगी a11, ये जो एलिमेंट है इसमें, ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है वो m11 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, a22। इसी तरीके से अगर a21 का देखना है मुझे माइनर, तो m21 क्या होगा, इसकी वाली रो और इसका वाला कॉलम अगर हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, a12। तो ये हो जाएगा a12। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर अगर 1 1 का देखना है तो होगा -1 की पावर, ये जो 1 और 1 है इनको ऐड करेंगे और m11। तो कोफैक्टर 1 1 में क्या आएगा, कोफैक्टर 1 1 में आएगा m11 और -1 की पावर इन दोनों नंबर्स का सम। और इसके साथ साथ कोफैक्टर को c11 के अलावा हम a11 से भी दिखा सकते हैं, आप किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये है 2 -4 0 3। तो इसमें माइनर ऑफ 1 1, ये पहली रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर देखना है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या, 3। तो ये हो जाएगा 3। इसका कोफैक्टर a11 या c11 ये कितना होगा, -1 की पावर इसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 प्लस 1, और m11 ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1। तो ये m11 के इक्वल आ गया, ये वैल्यू कितनी है, 3 है। अब m12 निकालते हैं, m12 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दिया, क्या बचा, 0। तो ये हो जाएगा 0। a12 कितना होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, ये दोनों नंबर्स, और m12 -1 की पावर 3, ऑड नंबर मतलब माइनस टाइम्स हो जाएगा, -1 इंटू m12 कितना है, 0। तो ये तो 0 ही रहा। अब m21 देखें, ये 0 वाला, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, बचा क्या, -4। ये हो जाएगा -4। को फैक्टर 2 1 का, -1 की पावर 2 प्लस 1, और m21 -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू m21 कितना है, -4। ये वैल्यू हो जाएगी 4। m22 ये कितना होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, बचा क्या, 2। ये आ गया 2। a22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, ये आएगा -1 की पावर 4, इवन नंबर है जो कि हो जाएगा +1, और m22 कितना है, 2। तो ये आंसर आ गया 2। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए सी बी डी। ये है ए सी बी और डी। m11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के क्या आया, डी। ऐसे ही a11 आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, ये हो गया कितना, 1, और m11 है डी, तो हो जाएगा 1 इंटू डी इक्वल्स टू डी। m12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये वाले एलिमेंट का देखना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा दें तो क्या आएगा, बी आएगा। a12 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू m12, ये आएगा, ये हो जाएगा -1, -1 इंटू बी माइनस बी। इसके बाद m21 ये वाले एलिमेंट का देखना है, ये वाली रो हटा दी, ये वाला कॉलम हटा दिया, बचा क्या, सी। ये आ गया सी। a21 कितना होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, या 2 प्लस 1 लिखिए वो ज़्यादा सही है, 2 प्लस 1 इंटू m21, -1 की पावर 3 हो गया -1 इंटू सी, ये हो जाएगा माइनस सी। m22 देखें, ये वाला, तो इनके अलावा इस रो में और इस कॉलम को हटा के बचेगा a, तो m22 हो गया a। a22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 m22,
ये आ जाएगा माइनस वन की पावर फोर हो गया प्लस वन, एम टू टू वैल्यू ए है तो वन इंटू ए हो गया।